US थिएटर उथेलो मैंने किया वाशिंगटन DC में, मगर कभी मैंने पाकिस्तानी फिल्म्स और इसमें मेरी इतनी तवज्जो नहीं थी, क्योंकि इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने ज़्यादातर ड्रामे देखे थे और तो मुझे पता नहीं था कि इतनी यहाँ पर इंडस्ट्री है भी या नहीं. बट रिसेंटली ऑफकोर्स हमारी जो फिल्म्स आई हैं इंटरनेशनली जो रिलीज़ हुई हैं, तो इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री. तो इससे पहले मैंने नहीं इधर देखा था. तो एक्टिंग की बाज़ाब्ता कोई ट्रेनिंग ली आपने या आप बाय बर्थ थी स्टार हैं? इट वाज नेचुरल फॉर मी, बट फिर भी आई टुक ट्रेनिंग न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी एक्टिंग फॉर फिल्म, बिकॉज थिएटर एक बहुत डिफरेंट मीडियम है. एक कैमरा की लेंस नहीं है और यू नो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लेंस या लाइटिंग एज मच. थिएटर में इट्स अ डिफरेंट मीडियम, तो इसलिए आई टुक शॉर्ट कोर्स लिया था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी. मगर ज़्यादा जो मैंने सीखा है वो अपनी नानी से ही सीखा. सरिश, आप सबिया खानम और संतोष कुमार साहब की नवासी हैं, तो अपने फिल्मी करियर में आप उनको किस तरह से फॉलो करती हैं? उनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद रही है? देखिए, मैं सबिया खानम तो कभी बन नहीं सकती, मैं हमेशा कहती हूँ. उनका एरा डिफरेंट था, उनका टाइम डिफरेंट था और वो बचपन से एक्टिंग ही करती आई हैं. तो अब मेरे लिए थोड़ा इट्स गन भी थोड़ा डिफरेंट होगा, बट उनकी फेवरेट जो फिल्म मेरी है वो मौसीकार. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, तो मेरी फेवरेट फिल्म इज़ मौसीकार. मौजूदा वक्त आप कितनी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इनका जो सिलेक्शन था आपने किस तरीके से किया? फ़िलहाल अभी मैं दो फिल्म्स कर रही हूँ, एक रहबरा जिसके डायरेक्टर हैं अमीन इकबाल और उसके साथ एक्टर मेरे को स्टार हैं एहसन खान और आयशा उमर, और सेकेंड फिल्म है चैन आयना जो एक्चुअली मेरी फिल्म डेब्यू है सैयद नूर साहब के साथ, और शिरोज़ और आदिल मुराद और नदीम बेग और काफ़ी बड़े नाम हैं उस फिल्म में. तो मेरे लिए कैरेक्टर इज़ द बिगेस्ट थिंग एक फिल्म सिलेक्शन में. कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए जिससे मैं खुद एसोसिएट कर सकूँ, स्पेशली इन द बिगिनिंग, शुरू में, अपने करियर के शुरू में, ताकि मैं उसको 100% एक दे सकूँ अपने कैरेक्टर को. तो स्वात में आप क्या कर रहे हैं? स्वात में एक चैरिटी है CDRS, उसके फाउंडर हैं टॉड शे. उनके साथ मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ और हमने 5 साल पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. और प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली इंस्पिरेशन मेरी अम्मी से है, बिकॉज मेरी अम्मी एक सिंगल पेरेंट है और मैं पैदा लाहौर में हुई थी, बट हम US मूव कर गए थे बिकॉज एज अ सिंगल वुमन इट वॉज काइंड यहाँ पर मुश्किल था लाहौर में टू रेज 3 गर्ल्स. तो एट अ लेटर एज कॉलेज के बाद जब मैं पाकिस्तान आई, मैं चाहती थी कि यहाँ पर जो औरतें हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो US जा सकें या कहीं और जाके काम करें, मैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहती थी कि उनकी एक लिविंग और उनकी अर्निंग बन सके पाकिस्तान में ही.